स्थानीय ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय में उस समय खुशी की लहर दौड़ गई जब ज्ञान ज्योति के प्रिंसिपल डॉक्टर सीपी जैन का आगमन थाईलैंड के बैंकॉक से इंटरनेशनल स्कूल अवार्ड प्राप्त कर विद्यालय प्रांगण में हुआ। गुलदस्तों और पुष्पों से इनका स्वागत भी किया गया। विदित हो कि विश्व के कई देशों के साथ साथ एशिया महादेश के लगभग 15 देशों के शिक्षाविदों और अधिकारियों को 16 जुलाई को बैंकॉक में होने वाले इस अवार्ड समारोह में आमंत्रित किया गया था, जिसमें ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय बामपाली आरा के प्रिंसिपल डॉक्टर सीपी जैन का नाम उस पैनल में शामिल था, जिसमें सभी उपस्थित देशों में मात्र 8 देशों से ही पैनलिस्ट बनाए गए। यह अपने आप में गर्व की बात रही। विभिन्न देशों के पैनलिस्ट स्कॉलर से विभिन्न प्रकार के प्रश्न किए गए, जिसका सुलझा हुआ उत्तर इन्होंने दिया। डॉक्टर सीपी जैन ने भारतवर्ष की द्वितीय शिक्षा प्रणाली की प्रशंसा करते हुए अपने स्कूल में होलिस्टिक डेवलपमेंट इन एजुकेशन सिस्टम पर जोर देते हुए NEP 2020 के प्रावधानों को कम समय में ही लागू करने की बात की और बच्चों के सर्वांगीण विकास पर जोर देने की बात की। बता दें कि ज्ञान ज्योति विद्यालय का अलग से एक ISA 2023 मोमेंटो से भी सम्मानित किया गया, जिसे ज्ञान ज्योति की तरफ से सिद्ध विजय जैन ने प्राप्त किया। जिन देशों ने इस इंटरनेशनल स्कूल का अवार्ड कार्यक्रम हुआ उनमें भारत के साथ साथ USA, फिजी, इंडोनेशिया, फिलीपींस, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, जकार्ता और कंबोडिया इत्यादि प्रमुख थे। ज्ञान ज्योति परिवार के सभी सदस्यों के साथ साथ सभी बच्चों ने प्रिंसिपल डॉक्टर सीपी जैन को बधाई दी। डायरेक्टर आदित्य विजय जैन ने ज्ञान ज्योति के परचम विश्व पटल पर फहराने के लिए प्रिंसिपल डॉक्टर सीपी जैन और सिद्ध विजय जैन की प्रशंसा की और कहा कि यह सम्मान और अवार्ड ज्ञान ज्योति के सभी सदस्यों के सम्मिलित प्रयास का परिणाम है। कैसा अनुभव रहा वहाँ, क्या खुशी देखने को मिला? बहुत ही अच्छा अनुभव था मेरा बैंकॉक में इंटरनेशनल स्कूल अवार्ड में, जहाँ पे जैसे सर ने बताया कि 8-9 कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव थे और मुझे एज अ पैनलिस्ट वहाँ इनवाइट किया गया था। डिफरेंट मैथोलॉजी ऑफ डिफरेंट कंट्री, इसलिए टॉपिक था हमारे पैनल का और हमें इस पर डिस्कस करना था। और मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि मैं एट अ टाइम 7 कंट्री के लोगों के साथ बैठ के डिस्कस कर रही थी, आपके आरा से निकल के और इतने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, इतने वास्ट प्लेटफॉर्म पर अपने आप को और अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करना, ये मेरे लिए बहुत ही गौरवान्वित की बात थी। मैं बहुत अपने आप में प्राउड फील कर रही थी कि मैं ऐसा कर सकती हूँ कि इंटरनेशनल लेवल पर मैं पैनल डिस्कशन में हूँ। और साथ ही वहाँ पे इंडिया के मैथोलॉजी में बात करनी थी और उनमें एक क्वेश्चन था कि आप क्या चाहेंगे कि इंडिया में और ज़्यादा इम्प्रूव, दूसरे कंट्री के मैथोलॉजी से आप क्या लेना चाहेंगे। तो मैंने वहाँ पर अपने टीचर्स की बात रखी कि टीचर्स हमारे बहुत इम्प्रोवाइज होने चाहिए और उसके अलावा उनका स्टेटस इतना हाई होना चाहिए, वो रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, क्योंकि टीचर्स ही हमारे राष्ट्र के निर्माता हैं, हमारे फ्यूचर का निर्माण टीचर्स ही करते हैं और उनकी पोजीशन हमको अपने समाज में और स्ट्रांगली रखनी चाहिए ताकि हमारा फ्यूचर, हमारा देश और आगे बढ़ सके। बिहार से कितने लोग गए थे? बिहार से सिर्फ आपका स्कूल यानी ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय ही था जो कि बिहार का पूरा रिप्रेजेंट आपने किया। जी हाँ, ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय ने ही पूरे बिहार को रिप्रेजेंट किया। पैन इंडिया से लगभग 40-50 स्कूल्स थे, बट हमारे ऑल ओवर अगर वहाँ पे थे तो 70-80 स्कूल थे पैन ग्लोबली, और सिर्फ 14-15 ही लोग थे जिनको पैनल में इनवाइट किया गया था। और हमारा पैनल 7-8 लोगों का था, जिसमें एक मैं भी थी। कुछ सीखने को मिला, कुछ नया? बहुत कुछ सीखने को मिला, जैसे कि कंबोडिया के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने एक GGP की बात की। GGP मीन्स गॉड गिफ्ट पोटेंशियल, इट मीन्स कि सारे बच्चों के पास गॉड गिफ्ट पोटेंशियल होता है और हमें उनको इनकरेज, उनको इन्हेंस करने का काम करना चाहिए, जो कि ज्ञान ज्योति भी बहुत ज़्यादा बिलीव करता है इस चीज़ में कि अगर बच्चों में जो पोटेंशियल है, अगर बच्चे हो सकते हैं पढ़ाई में कुछ अच्छे नहीं हो लेकिन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में अच्छे होते हैं, कोई डांस स्कूल डांस में अच्छा होता है, कोई स्पोर्ट्स में, कोई आर्ट एंड कल्चर में, तो उसको इनकरेज कीजिए और उसी फील्ड में उसको आगे बढ़ाइए। जैसे कि अभी हमारा जो NLP आ रहा है, अगले साल से बहुत कुछ लागू होने जा रहा है, उसमें भी यही कहा गया है कि अगर बच्चों को जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उसमें आगे बढ़ाइए। और ये चीज़ें वहाँ भी थी, ग्लोबली बताया गया कि हमें अपने बच्चों के पोटेंशियल के हिसाब से उन्हें एजुकेशन देना चाहिए और उनको इनकरेज करना चाहिए।
पैनलिस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म करने के लिए और ओवरऑल परफॉर्मेंस देखते हुए वहाँ की एक नेपनेव यूनिवर्सिटी है हाथी कंट्री, उन्होंने मुझे डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया है और मैं उन लोगों को भी बहुत थैंकफुल हूँ कि उन्होंने ऑनली मुझे डॉक्टरेट किया। पैनल में कितने लोग थे और कितने लोगों को चयन किया गया? हमारे पैनल में जो है वो 8 या 9 लोग थे, उसमें से हमें 2 लोगों को डॉक्टरेट की उपाधि मिली। यानी काफ़ी बड़ी उपलब्धि है विद्यालय और पूरे बिहार वासी। जी, इंडियन कंपनीज की किन किन स्कूलों में किस चीज़ के लिए अच्छा बेटर एजुकेशन दिया जाता है, जिसमें हम लोगों के स्कूल को होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स के लिए अवार्डेड किया गया है। होलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब हुआ कि ओवरऑल डेवलपमेंट, केवल एकेडमी ही नहीं, हम अदर एक्टिविटीज जैसे आर्ट क्राफ्ट है, रोबोटिक्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है, जितनी भी सुविधाएं हम अदर देन एजुकेशन भी देते हैं पार्ट ऑफ एजुकेशन के रूप में, तो वो होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स के लिए हम लोगों को इंटरनेशनल लेवल पे अवार्ड दिया गया है। साथ ही हमारे प्रिंसिपल मैडम को बुलाया गया था अवार्ड रिसीव करने, और वहाँ एक प्रोग्राम होना था, जो प्रोग्राम था इंटरनेशनली एशिया, कंप्लीट एशिया के हिसाब से हमको लगता है कि उसको इनविटेशन था, क्योंकि वहाँ एशिया कॉन्टिनेंट के 9 कंट्रीज थे रिप्रेजेंटेटिव्स, और मैडम उसमें एक पैनलिस्ट के रूप में, जब 9 कंट्रीज के लोग बैठे अपने अपने यहाँ के एजुकेशन सिस्टम पे डिस्कस करने कि हमारे यहाँ क्या अच्छाई है, तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम को 2 लोग बता रहे थे कि हमारे यहाँ क्या क्या अच्छाइयाँ हैं और हम कैसे और आगे अच्छा कर सकते हैं। मैडम को वहाँ एज पैनलिस्ट कई